बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए लवी शीरी की रेसिपी लेके आया हूं। मैं आपको बताऊंगा कि यहां पे कौन कौन से स्टेप्स है जहां पे लोग गलती कर रहे हैं और कौन से स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक्स हैं कि अगर आपको पता हो तो आप बहुत ही शानदार रेसिपी बना लेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं जनाब, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें। आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, आपकी तरफ से हमें इनाम होता है। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने प्यारे से पैन में एक कप हम पानी का लेंगे और साथ ही एक और पैन में एक कप पानी का, और ये है हमारे पास जेली का पैकेट। ये देखें, ये आपने हाफ यूज़ करना है, ठीक है। जितना आता है पैकेट उससे हाफ यूज़ करेंगे। ये है हमारे पास बनाना फ्लेवर, और यहाँ पे अहम बात ये है कि जब पानी गर्म हो तब इसको ऐड किया करें और अच्छे से इसको मिक्स कर लें जब तक ये मिक्स ना हो जाए। चलिए जी, दूसरी तरफ हमारे पास है ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, और इसको भी हम पका लेंगे दोनों को एट अ टाइम। और यहाँ पे अहम बात मैं आपको बताऊं कि इसको जब आपने बना लेना है, ये देखें यहाँ पे ये मिक्सिंग हो चुकी है अच्छे से। अब आपने इसको निकाल लेना है किसी भी सांचे के अंदर, किसी भी बर्तन के अंदर, और आपने इसको रूम टेम्परेचर पे रखना है, फ्रिज फ्रीज़र के अंदर नहीं रखना, वरना इसकी टाइटनेस में कमी आ जाती है और इसका जो एक लचकीलापन है वो सही नहीं बनता, ठीक हो गया। तो इसको आपने रूम टेम्परेचर मतलब कहीं भी आपने रख देना है। चलें जी, ये देखिए माशाल्लाह खूबसूरत कम्बिनेशन हमारे पास तैयार है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खूबसूरत सा पैन लेंगे और फिर उसमें हम दो कप पानी के ऐड कर लेंगे, और यहाँ पे रेसिपी को खूबसूरत बनाने के लिए जब इसमें बॉयल आ जाए तब हम इसमें सेवी ऐड करेंगे। ये है हमारे पास तकरीबन हाफ कप के करीब। चलें जी, फ्लेम को हम कर देंगे हाई और इसको हम अच्छे से यहाँ पर बॉयल कर लेंगे। बहुत ही जल्द तकरीबन 5 मिनट में ये बॉयल हो जाती है। चलें जी, अब अपनी प्यारी सी कढ़ाई के अंदर 1.5 लीटर हम दूध का लेंगे, और यहाँ पे बहुत ही अहम बातें आने वाली हैं जिसका आपको बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए। हाई फ्लेम के ऊपर इसको हम बॉयल करेंगे, और बॉयल करना बहुत ज़रूरी होता है, ज़्यादा बॉयल करना, इससे टेस्ट डिवेल्प होता है। तो यहाँ पे 2-3 चम्मच आप चीनी के ऐड कर दें अपने टेस्ट के हिसाब से, और आपने इसको अच्छी तरह से इस दूध को पकाना है। जितना ज़्यादा पकाएंगे उतना अच्छा टेस्ट आएगा। चलें जी, अब अहम बात, तकरीबन हाफ कप दूध में मैं 4 चम्मच कस्टर्ड के ऐड कर रहा हूँ, वनीला जो फ्लेवर होता है उसके, और अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगा। लो फ्लेम करके आपने इस कस्टर्ड को इसके अंदर ऐड करना है। क्यों? अगर आप हाई फ्लेम के अंदर ये ऐड करेंगे दूध फौरन से गाढ़ा हो जाएगा, गुठलियाँ सी बन जाती हैं, और सबसे बुरी बात कि जो पाउडर होता है ना कस्टर्ड का, उसका कच्चापन रह जाता है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और लोग इस बात पे ध्यान नहीं देते। और इसके अलावा ये जो हमारा बैटर तैयार हो रहा है, कस्टर्ड तैयार हो रहा है, इसके अंदर स्मूथनेस भी नहीं आती, ठीक हो गया। तो ओवरऑल आपने क्या जाना कि जब आपने कस्टर्ड को ऐड करना है तो फ्लेम बहुत हाई नहीं होना चाहिए, लो टू मीडियम होना चाहिए, ताकि आप अच्छी तरह से उस कस्टर्ड की पकाई भी कर सकें और साथ ही साथ इसकी जो बैटर की स्मूथनेस है वो भी अच्छी आ जाए। सो ये एक मिस्टेक थी। यही मिस्टेक लोग अक्सर सूप की रेसिपी में भी करते हैं, जहाँ पे एंड पे हम कॉर्न स्टार्च ऐड करते हैं, ठीक है, वो भी हमको अच्छे से पकाना चाहिए। चलें जी, इसको रूम टेम्परेचर पर रख देते हैं, और यहाँ पर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो जेलीज थी वो स्ट्रांग हो चुकी हैं। इसकी अब हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे, क्यूब्स में हम इसको काटेंगे, और ये देखें बहुत आसानी से कट की और ये काफ़ी स्ट्रांग भी हुए, ठीक हो गया। चलें जी, खूबसूरत सा बॉल लेंगे, और यहाँ पे हमारे पास है बहुत से फ्रूट्स कॉकटेल। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि आप ये यूज़ करें, आपके पास जो भी फ्रूट्स हों, जो अच्छे मीठे वाले फ्रूट्स हैं, वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। 3-4 टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे। ये लें जी, इनमें ज़रा खूबसूरती होती है, थोड़ी सी डिफरेंट लुक होती है, तो ईद के मौका पे इस टाइप की चीज़ें जो हैं वो अच्छी लगती हैं। सो मैंने प्रेफर किया कि मैं इसको यूज़ करता हूँ। चलें जी, वैसे तो हमारे मुल्क में माशाल्लाह हर तरह का फ्रूट अवेलेबल है, वैसे ही कुछ बनानाज इसमें ऐड कर देते हैं ताकि थोड़ा सा फ्रेश और थोड़ा सा एक क्रीमी सा टेक्स्चर भी रेसिपी में आ जाए। चलें जी, 2-3 इसमें जो बनानाज हैं वो काफ़ी होंगे। और ये है हमारे पास, यहाँ पर अहम बात फिर कि ये है हमारे पास रसगुल्ले, जिनको मैंने धो लिया था इसलिए ताकि इसका जो शीरा है वो उतर जाए रेसिपी के अंदर। ऑलरेडी बहुत मीठा है, इनको अगर धोने के बगैर हम ऐड कर देंगे तो मीठा जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएगा और रेसिपी अच्छी नहीं लगेगी, ठीक हो गया। चलें जी, अब ये है हमारे पास क्रीम, तकरीबन 2 छोटी प्याली मतलब के 5-7 टेबल स्पून इसमें क्रीम की ऐड करेंगे। आप मार्केट की टेट्रा पैक जो क्रीम होती है कोई भी, वो ऐड कर सकते हैं, घर की ऐड कर सकते हैं, डजंट मैटर। कुछ मेवे यानी कि किशमिश ऐड कर देते हैं, और उसके बाद इन सब चीज़ों को हम मिक्सिंग में मिक्स कर लेते हैं। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं, इससे क्या होगा हमारी रेसिपी में खूबसूरती आएगी। सब चीज़ें इकट्ठी भी कर सकते हैं लेकिन फिर ड्रेसिंग नहीं होगी और खूबसूरती नहीं आएगी। चलें जी, एक बॉल में ये जो हमने कस्टर्ड तैयार किया था जो कि अब तकरीबन ठंडा हो चुका है, ऐड करेंगे ये सेवियाँ, 1 चम्मच इसके अंदर हम डालेंगे और इसकी कर देंगे मिक्सिंग। चलें जी,
यहाँ पे आपने मिक्सिंग करने के दौरान एक और चीज़ बहुत ही मज़ेदार ऐड करनी है, जो कि एक कह लें कि क्लाइमेक्स टाइप है। ये है हमारे पास आइसक्रीम। आइसक्रीम के हम 2 चम्मच भर के इसमें ऐड कर देंगे, ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, और इसकी हम मिक्सिंग बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। इस तरह टूटी फूटी सी आपने मिक्सिंग कर देनी ताकि छोटे छोटे क्यूब्स भी विजिबल हों। चलिए साइड पे करते हैं। अब फाइनल जो हमने बॉल तैयार करना है, जेलीज ऐड कर देंगे इसके ऊपर। ये कस्टर्ड जिसको हमने रूम टेम्परेचर पे कर लिया था, बहुत अहम बात, ठीक है। प्यालों को अच्छे से साफ करें, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए, इससे आपके रिस्क में बरकत आती है। ये है हमारे पास जेलीज, साइड्स पे लगा देंगे ताकि जब बॉल पड़ा हो तो साइड से ये जेलीज जब नज़र आए तो सामने वाले का दिल खुश हो जाए कि सुभान अल्लाह। ये हमने जो क्रीम के अंदर फ्रूट्स ऐड किए थे ये इसमें डाल देते हैं। इसमें चीनी की ज़रूरत नहीं क्योंकि जो क्रीम होती है वो ऑलरेडी मीठी होती है। ये हमारे पास कुछ ड्राई फ्रूट्स मैं यहाँ लगा रहा हूँ, आप चाहें तो जब हमने दूध बनाया था, बॉयल किया था, उसमें भी ऐड कर सकते हैं, सो इट्स अप टू योर चॉइस। ये है 2 हमारे पास रसगुल्ले, इनको मैंने नहीं धोया, ये ऊपर खूबसूरती के लिए हैं तो ये ऐसे ही आएंगे। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, देखें जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बरकतें जो उसने हमारे हाथ में हमारे घर में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, आप प्यारा सा खूबसूरत कर दीजिए कमेंट और दीजिए इजाज़त। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।